दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, यानी कि कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट कैसे आपको अमेजोन से ऑर्डर करना है। इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे आपको प्रोडक्ट सर्च करना है, ढूंढना है, जो भी सामान आपको खरीदना हुआ कैसे उस सामान को चेक करना है रिव्यू देख करके कि सही है या फिर सही नहीं है, दूसरे लोगों ने उस सामान को खरीदा तो क्या रिव्यू दिया, क्या बोला उसके बारे में, वो चीजें आप चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट की रेटिंग देख सकते हो, प्रोडक्ट का पिक्चर देख सकते हो, फिर आपको एड्रेस डालना होगा जिस एड्रेस पे आप सामान मंगाना चाहते हो, फिर आपको उस सामान के लिए पेमेंट भी करना होगा। अगर आप पेमेंट सामान रिसीव करने के बाद डिलीवरी बॉय को देना चाहते हो तो कैसे आपको कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अमेजोन से शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे। अगर ये एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल किया हुआ नहीं है तो आप प्ले स्टोर ओपन करोगे और अमेजोन सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, आप सिंपली इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आप जिस भी लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो वो चूज कर लोगे। मैं इंग्लिश चूज करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यूज करोगे। अगर आपका अकाउंट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, बना हुआ है, तो आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से साइन इन भी कर सकते हो, लॉगिन भी कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं होता तो सिंपली आप क्रिएट अकाउंट इस पे क्लिक करते और यहाँ से आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर करके, मोबाइल नंबर इंटर करके, पासवर्ड को सेट करके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड आपको एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का बनाना होता है। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप इंटर करोगे उसे OTP के माध्यम से आगे वेरीफाई भी करना होगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली आप साइन इन ऑलरेडी ए कस्टमर इस पे सेलेक्ट करोगे और जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपके अकाउंट से कनेक्टेड है उसको इंटर करके, पासवर्ड को इंटर करके आप साइन इन भी कर सकते हो। इस तरीके से आप अमेजोन एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर लेते हो या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो लॉगिन कर लेते हो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से। अब यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो उसे आप सर्च भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी दिख जाता है प्रोडक्ट्स का। एग्जांपल के लिए अगर आपको मोबाइल खरीदना हुआ तो यहाँ पे आप मोबाइल पे क्लिक करोगे और आपको मोबाइल प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड के, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आप इसके अलावा अगर आप फैशन पे क्लिक करते हो तो आपको फैशन रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हो, होम के लिए खरीद सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, फर्नीचर खरीद सकते हो, मूवी टिकट बुक कर सकते हो, ग्रोसरी का कोई भी सामान खरीद सकते हो, कोई दवाई वगैरह खरीद सकते हो, फार्मा पे क्लिक करके बुक्स एंड टॉयज खरीद सकते हो। दुनिया भर के सामान यहाँ पे अमेजोन पे आपको मिल जाते हैं, आप जो भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे मैं ईयरफोन खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ईयरफोन सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ईयरफोन सर्च किया, जैसे ही मैंने ईयरफोन टाइप किया यहाँ पे सर्च बार में, ईयरफोन रिलेटेड अलग अलग कीवर्ड मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा। मैं यहाँ पे ब्लूटूथ वाला ईयरफोन खरीदना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन सर्च किया, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज कर सकते हो जिसे भी खरीदना हुआ। मुझे ये ईयरफोन सही लग रहा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का प्राइस देख सकते हो, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, प्रोडक्ट की रेटिंग देख सकते हो आउट ऑफ 5, कितने लोगों ने रेट किया है वो भी देख सकते हो, कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है इसमें आपको वो दिख जाएगा, किस किस कलर में अवेलेबल है वो भी आपको दिख जाएगा। आप अगर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप अलग अलग एंगल से प्रोडक्ट का फोटो देख सकते हो। यहाँ पे एक प्रोडक्ट के मल्टीपल फोटोज और वीडियोज भी होते हैं। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट का, यहाँ पे रेटिंग दिख जाएगा जो कि आपको ऊपर से भी दिखाई दे रहा था। आप प्रोडक्ट का कलर चूज कर लोगे, जिस भी कलर में बाय करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे कॉस्मिक ग्रे चूज कर लिया। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट का प्राइस दिख जाएगा, कितना परसेंट ऑफ है वो दिख जाएगा। आप चाहो तो प्रोडक्ट को EMI पे भी बाय कर सकते हो और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कितना ईयरफोन मैं खरीदना चाहता हूँ वो चूज कर सकता हूँ। मुझे एक ही ईयरफोन खरीदना है तो क्वांटिटी 1 सेलेक्ट करके रखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। अगर आपने टी शर्ट सर्च किया होता तो टी शर्ट का आपको कलर चूज करने के लिए मिल जाता है, टी शर्ट का आपको साइज सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। अगर आप मोबाइल सर्च करते तो मोबाइल के लिए आपको रैम, रोम, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आप स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे एड टू कार्ट दिखाई देगा और बाय नाउ दिखाई देगा। इससे पहले आप सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करके आप कस्टमर रिव्यूज यहाँ तक आ जाओगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अलग अलग कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट के बारे में खरीदने के बाद क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, बैटरी लाइफ ईयरफोन की अच्छी है, वैल्यू अच्छी है, परफॉर्मेंस यहाँ पे माइनस में है और बाकी सब कुछ न्यूट्रल दिख रहा है।
कस्टमर्स ने भी इस प्रोडक्ट का फोटो अपलोड किया है, वो भी यहाँ मैं देख सकता हूँ। और अलग अलग कस्टमर्स ने क्या क्या लिखा है इस प्रोडक्ट के बारे में वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स के रिव्यूज पढ़ लेने हैं। अगर आपको केवल नेगेटिव रिव्यूज पढ़ना है तो आप यहाँ पे रेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप 1 स्टार पे क्लिक करोगे तो आपको नेगेटिव टाइप के रिव्यूज दिख जाएंगे। अगर आपको पॉजिटिव रिव्यूज पढ़ना हुआ प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें तो यहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट स्टार उस पर क्लिक करोगे और पॉजिटिव रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। जो इसको पहले से खरीद चुके हैं वो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। कंपनी तो अपने बारे में ज्यादा अच्छा बताएगा ही, अच्छी अच्छी फोटो डालेगा ही। तो आपको कस्टमर के अपलोडेड फोटोज और रिव्यूज देख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर स्क्रॉल करके एड टू कार्ट या फिर बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। एड टू कार्ट को आप थैले की तरह समझ सकते हो। जैसा कि आप मॉल में जाते हो तो आप एक एक करके सारा सामान थैले में रखते हो, अलग अलग सामान, फिर उसके बाद बिलिंग काउंटर पे जा करके पेमेंट करते हो, बिल करवाते हो, बिल बनवाते हो। वैसा ही यहाँ पे आप अलग अलग सामान को सबसे पहले कार्ट में ऐड कर सकते हो और एक बार में ही सबका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उसके लिए पेमेंट कर सकते हो। मान लो आपको ईयरफोन के साथ साथ मोबाइल भी खरीदना होता तो आप पहले ईयरफोन को कार्ट में ऐड कर लोगे, फिर मोबाइल को ऐड कर लोगे। उसके बाद मान लो आपको जूते भी खरीदने हैं, शूज, तो आप उसको भी कार्ट में ऐड कर लोगे और एक साथ आप तीनों का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके पहले इस ईयरफोन को कार्ट में ऐड कर लेता हूँ। मुझे रेटिंग रिव्यूज और प्राइस के हिसाब से ये सही लग रहा है और यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। उसके अलावा आप दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पे सर्च कर लोगे। मुझे यहाँ पे माउस भी खरीदना है लैपटॉप के लिए, तो मैं माउस सर्च कर लूंगा। यहाँ पे मैंने माउस सर्च कर लिया, मुझे ये माउस सही लग रहा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली इसका रिव्यूज, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, कलर वगैरह सब कुछ चूज कर लूंगा, प्राइस वगैरह देख लूंगा। मुझे सही लगता है तो मैं नीचे स्क्रॉल करके एड टू कार्ट इस पे क्लिक कर लूंगा। इसी तरीके से मैं मल्टीपल सामान को कार्ट में ऐड कर लूंगा और यहाँ से डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सारे सामान को कार्ट में ऐड कर लोगे, यहाँ पे आपको कार्ट दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये माउस, ये ईयरफोन कार्ट में ऐड किया है। इसके अलावा पहले ही मैंने ये यूएसबी पोर्ट कार्ट में ऐड किया था, यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाता है। अब इन तीनों को मैं एक साथ बाय कर सकता हूँ प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा जहाँ पे आप प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले भी अलग अलग एड्रेस पे सामान को मंगाया हुआ है, प्रोडक्ट को ऑर्डर किया हुआ है, तो वो एड्रेसेस यहाँ पे मुझे दिख जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी एडेड एड्रेस में से सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा अगर आप एडेड एड्रेस में से कोई एडिटिंग करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करना हो या फिर एड्रेस में कोई और स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन करना हो तो आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नया एड्रेस ऐड करना हुआ तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ से आप किसी नए एड्रेस पे भी सामान को मंगा सकते हो। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एड्रेस में सबसे पहले नाम, मोबाइल नंबर तो डालना ही है। इसके अलावा फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग, कंपनी, अपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, स्ट्रीट, एरिया, सेक्टर, विलेज, लैंडमार्क। नीचे स्क्रॉल करोगे, पिन कोड, होम टाउन, स्टेट, ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसी एड्रेस पे बार बार सामान मंगाना है तो आप इसको डिफॉल्ट एड्रेस बना सकते हो। बार बार आपको एड्रेस चूज नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट यही एड्रेस सेलेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे आप यूज दिस एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शनल इंस्ट्रक्शन भी डालने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस ऐड कर दिया है, इस एड्रेस पे मैं डिलीवर करवाना चाहता हूँ सामान, डिलीवर टू दिस एड्रेस इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट भी करना होगा, आप अलग अलग तरीकों से पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप अमेजोन पे बैलेंस को यूज कर सकते हो, अगर आपके अमेजोन पे वॉलेट में बैलेंस है तो उसको यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, किसी भी अदर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, अमेजोन पे लेटर को भी यूज कर सकते हो, ईएमआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, नेट बैंकिंग भी कर सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करना हुआ तो मैं सिंपली इस पे सेलेक्ट करूंगा, यानी कि सामान मुझे मिलेगा उसके बाद मैं डिलीवरी बॉय को कैश में पैसे दूंगा या फिर मैं उसको यूपीआई से भी उस समय पेमेंट कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। फाइनल यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा जितना आपको पे करना है, इसमें आपका डिलीवरी चार्जेस भी आ जाता है। किस एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा वो यहाँ पे आप फाइनल चेक कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कब आपको डिलीवरी मिलेगा, डेट आपको देखने को मिल जाता है। नीचे स्क्रॉल करके आपको एक बार सारे प्रोडक्ट्स को देख लेना है, सबकी क्वांटिटी कंफर्म कर लेनी है और प्लेस योर ऑर्डर इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और इस एड्रेस पे आपको सामान दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा कौन कौन सा सामान है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप
बैक करते हो। बैक करने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हो अपने प्रोफाइल में, तो यहाँ से आप योर ऑर्डर में जा करके अपने प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर सकते हो। जो भी आपने सामान ऑर्डर किया है उसको ट्रैक भी कर सकते हो। आपको दिख जाएगा कि कब आपको मिलने वाला है, अराइविंग मंडे, मंडे को मिलेगा मुझे ये तीनों सामान। और किसी भी स्पेसिफिक सामान को ट्रैक करने के लिए आप उस पर क्लिक करोगे, या फिर अगर आपको सामान कैंसिल करना हुआ, प्रोडक्ट कैंसिल करना हुआ, तो वो भी आप कर सकते हो कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करके। आप देख सकते हो प्रोडक्ट अभी ऑर्डर किया गया है, इसको शिप किया जाएगा, फिर आउट फॉर डिलीवरी और फिर डिलीवर किया जाएगा। और डिलीवरी के समय पे ही मुझे पेमेंट भी करना है, कैश ऑन डिलीवरी मैंने चूज किया था।